हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं चंदन कुमार और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं बार बार पूछे जाते हैं। कई बार पूछा जाता है इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन, तो आज मैं यही लेके आया हूँ आप लोग के लिए, जो सेट होगा एक क्विज के तरह होगा और साथ ही इसमें एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो वीडियो में शुरू करता हूँ आप लोग के लिए। आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस सारे क्वेश्चन का जवाब जो है हमसे पहले दे पाएंगे। तो अगर आपको जवाब पता हो तो अपना जवाब फटाफट कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको एक सवाल के जवाब देने के लिए 30 सेकंड का समय भी दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और ये आपका पहला सवाल जो है वो आ चुका है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राज्य भाषाएं वर्णित है? आपके सामने ऑप्शन है 24, 22, 14 या 25। उम्मीद करता हूं आप लोग जल्द से जल्द जवाब देंगे 30 सेकंड में। तो ठीक, इसका मैं सही जवाब आपको बता देता हूं। इसका सही जवाब होता है 22। टोटल 22 भाषाएं हैं जिनका के वर्णन किया गया है। उन भाषाओं के बारे में आप यहां पे डिस्क्रिप्शंस में देख पा रहे होंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित है। वर्तमान राजभाषाएं इस प्रकार से है: बंगाली, बोरो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नर, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, इसके अलावा उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, संस्थाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असामिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? जो राजभाषाएं है उनका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7 या अनुसूची 8। बहुत आसान सवाल है, आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए। मैं इसका सही जवाब आप लोगों को बता देता हूँ। इसका सही जवाब 8वीं अनुसूची होता है और इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित है। इसके मूल रूप 14 भाषाएं वर्णित है। मूल रूप से जो भाषा है वो 14 है, जबकि वर्ष 2013 में मैथिली, डोगरी, बोरी, संस्थाली भाषाओं का वर्णन करके जोड़ा गया है। तो अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 और 351 राजभाषाएं से संबंधित है। जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना ला दे, उच्चतम न्यायालय के लिए कार्य की भाषा अंग्रेजी होगी। राजभाषा अधिनियम 1963 पास किया गया था। देवनागरी लिपि लिखे जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है। आपके ऑप्शन ये थे, आपको सही जवाब देना है। आपके पास सिर्फ 30 सेकंड का समय है। चलिए मैं आपको लोग इसका सही आंसर बता देता हूँ। सही जवाब है ऑप्शन बी, जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना ले दे, उच्चतम न्यायालय के लिए कार्य की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, जब तक संसद में कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो कार्य की भाषा होगी वो अंग्रेजी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत लगा हुआ है, बाकी तीन ऑप्शन जो है वो सही है। तो आपके सामने ऑप्शन है, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 344 राज्य एवं संसदीय समिति का आयोग, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की राजभाषा। लोग फटाफट सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की राजभाषा के बारे में अनुच्छेद 351 में वर्णन है। एक्सप्लेनेशन जो है सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है? इनमें से किनको अधिकार है कि अंग्रेजी के अलावे किसी और भाषा को
उच्चतम न्यायालय के लिए दर्जा मिल दे सकता है कार्यवाही के लिए। आपका ऑप्शन है संसद का कोई भी सदन, किसी राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 30 सेकंड के अंदर मैं आपको जवाब देना है, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। चलिए मैं इसका सही जवाब बताया, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी होनी चाहिए। आपका ऑप्शन है 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में, याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में, केवल अंग्रेजी में, या हिंदी या अंग्रेजी में। क्वेश्चन देखिए काफी सारे डिफिकल्ट आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्योंकि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों का पैटर्न जो है वो आपने पिछले एग्जाम में देखा होगा वो बदल गया है, तो आपको हार्ड या मॉडरेट क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे क्योंकि इजी क्वेश्चंस का समय जो है अब रहा नहीं। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ इस सवाल का जवाब कमेंट में दे दिए होंगे, तो इसका सही जवाब जो है वो होगा ऑप्शन सी, केवल अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्रेशन देख लीजिए, संसद में उच्चतम न्यायालय में हिंदी प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो कि अंग्रेजी में हो। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, इनमें से कौन सा जो लगी हुई है भाषा के साथ कौन से राज्य का वो सही है, बाकी सिर्फ इसमें एक ही सही है बाकी तीन गलत है, तो आप सही सही जवाब दीजिए। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, तेलुगु, केरल तमिलनाडु, गोवा अंग्रेजी, जम्मू कश्मीर कश्मीरी। चलिए मैं इसका सही जवाब आप लोगों को बताया, तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश की जो राजभाषा है वो तेलुगु है, बाकी सारे जो ऑप्शन है वो गलत मिले हुए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है, अरुणाचल प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा कौन सी है, असामी या बोडी, अंग्रेजी या डोगरी। 30 सेकंड में आपको जवाब देना है। चलिए मैं आप लोगों का इसका सही जवाब बताया, तो सही जवाब है ऑप्शन सी अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, मेघालय अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की जो मुख्य क्षेत्रीय भाषा है वो इंग्लिश है। इस बार आपसे अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा गया था, हो सकता है अगली बार आपसे मेघालय या नागालैंड के बारे में पूछ लिया जाए, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पिछले साल ही एनटीपीसी एग्जाम में भी पूछा गया था, ग्रुप डी के एग्जाम में भी आए थे और एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है, तो आप लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए। चलिए मैं आपका इसका सही जवाब आपको बताता हूँ, इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर प्रांत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ गया है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है जो कि वर्ष 2003 में 92 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, इनमें से कौन सी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं है, ऑप्शन एक नेपाली, कश्मीरी, सिंधी या अंग्रेजी। आप लोग 30 सेकेंड है, फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब जो होता है वो होता है अंग्रेजी, अंग्रेजी का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। तो ये थे आप लोगों के लिए आज के क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और फेसबुक ट्विटर जहां भी हो सब जगह शेयर कर दीजिएगा, और अगला वीडियो मैं कौन सी टॉपिक पे लेकर आऊँ ये आप लोग कमेंट के नीचे बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, बिहार डेलीगेशन चंदन कुमार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।